We'll you डिक कर रहे होंगे तो भाई एक्सरसाइज नंबर नंबर नाइन का लीनियर प्रोग्रामिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे लिए चल रहे हैं बड़े मजे के कॉन्सेप्ट तो अभी तक मैं आप लोगों को चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर नंबर फाइव चैप्टर नंबर नाइन सोल्व करवा चुका हूँ के अंदर है और वो तमाम स्टूडेंट जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर वो हैं, सर वो भी भी करवा करवा दें दें या इंडक्शन तो भाई वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी कवर करवा रहा जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा होगा मगर जो बच्चे चाहते हैं कि उनका जल्दी से वो टॉपिक कवर हो जाए तो भाई आप ओल्ड बुक के हिसाब से उन टॉपिक्स को देख सकते हैं आपकी जो न्यू बुक है उसमें काफी सारे क्वेश्चन ओल्ड बुक वाले ही है तो भाई मैंने ओल्ड बुक के हिसाब से सारे पहले ही सोल्व करवाए हुए एक्सरसाइजेस तो आप उसको वहां से भी आउट कर सकते हैं मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा कि भाई ओल्ड बुक की प्लेलिस्ट का हमारा जो लिंक था मैं उसको भी

बिल्कुल सेम तरह का क्वेश्चन है बस खाली यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है कि आपको यहाँ पे एक से ज्यादा इक्वेशन गिवेन है यानी कि पे पे तीन है, यहां पे है, मेरे बेटा तीन है 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 कितनी बेटा हमारे पास है। पिछले में दो होती थी कोई मसले की बात नहीं है सबसे पहला स्टेप क्या होगा सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने अपने क्वेश्चन को एक दफा उतारना होता है तो भाई मैं चूंकि बार बार क्वेश्चन उतार नहीं सकता तो मैंने इसी क्वेश्चन को एडिटेड लिख लिया पहला स्टेप क्या होता है हमेशा क्वेश्चन को एक दफा उतारेंगे और फिर इन इक्वेलिटीज को आपने लाइन वाइज इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री इक्वेशन फोर का नाम दे देना है अब सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग क्या करेंगे भैया सबसे पहले हम लोग अपने पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड करते हैं तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो पहली इनक्वालिटी आ रही है वो ये आ रही है तुम तो क्या लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन तो हमारे पास जो पहले नंबर के ऊपर इनक्वालिटी आ रही है वो क्या है वो है फाइव एक्स माइनस का y लेसर देन इक्वल टू सिक्सटीन कभी भी पॉइंट की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो इन से तो हम क्या करते हैं इन के सिंबल को रिप्लेस करवा देते हैं इक्वल टू के साइन से इक्वल टू के साइन से उसको रिप्लेस करवा दिया जाता है अब अब पॉइंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट सबसे पहले क्या लिखोगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट तो भैया x इंटरसेप्ट क्या होता है x इंटरसेप्ट होता है y की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवा देना इक्वेशन में y की वैल्यू जीरो पुट करके अपनी x की वैल्यू को फाइंड कर लेना तो भैया अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में y की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ये आ जाएगा फाइव एक्स इज इक्वल टू सिक्सटीन तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फाइव के बराबर एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फाइव के बराबर इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट कर लेंगे क्या करेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट तो y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे मेरा बेटा सिंपल तरीके से आपने x की वैल्यू को जीरो पुट करवा देना कर की, तो की, तो की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी ये आ जाएगी नेगेटिव के, के सिक्सटीन के, के बराबर तो हमारे पास दो पॉइंट्स के हमारे आ गए जब आपने वाई की वैल्यू जीरो पुट करी तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आई थी सिक्सटीन बाय फाइव के तो एक पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई 16 डिवाइडेड बाय फाइव कॉमा जीरो सिक्सटीन डिवाइडेड बाय फाइव कॉमा जीरो और जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करी तो वाई की वैल्यू किसके बराबर है नेगेटिव 16 के तो हम क्या पुट लिख सकता हूँ यहाँ पे 0 कॉमा नेगेटिव का 16 0 कॉमा नेगेटिव का 16 इस तरीके से हम लोगों ने अपने टर्म्स को लिख दिया अब क्या करेंगे अब सिंपल तरीके से दूसरी इनक्वालिटी से पॉइंट को निकाल लेंगे अभी हम लोगों ने पहली इनक्वालिटी को सोल्व कर लिया अब दूसरी इनक्वालिटी को सोल्व कर लेंगे आप लोगों ने हर नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाके काम करना है मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं सामने सामने कर रहा हूं बट आप लोगों ने पेपर के अंदर सामने सामने नहीं करना भाई नेक्स्ट लाइन से फ्रेश काम सही है ना भैया तो क्या लिखूंगा अब मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू भैया हमारे पास इक्वेशन नंबर टू क्या आ रही है आपकी बारी में ये आ रही है थ्री एक्स का टू लेसर देन इक्वल टू सिक्स तो इन इक्वालिटी के सिंबल को रिमूव करेंगे इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा तो क्या बन जाएगा थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स अब फाइनली क्या करेंगे एक्स पे वैल्यू निकाल लेंगे सबसे पहले चले जाएंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट तो क्या करेंगे मेरा बेटा फॉर एक्स 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 इंटरसेप्ट 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 तो का मायने मायने क्या होता है के ये होते हैं वाई की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवाना वाई की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवा देना तो जब वाई की वैल्यू जीरो होगी तो ये क्या बन जाएगा ये हो जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू सिक्स तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी थ्री टू जीरो सिक्स तो x की वैल्यू क्या आ गई टू के बराबर आ गई ओके okay. इसी तरीके से वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या लिखेंगे फॉर वाई इंटरसेप्ट फॉर वाई इंटरसेप्ट ई इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है एक्स की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवाना इक्वेशन में तो यहाँ पे इक्वेशन में एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी जाएगी तो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? Y, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी तो y की वैल्यू आ गई थ्री के बराबर तो हमारे पास, finally, हमारे पास फाइनली दो पॉइंट क्या आ गए देखो भाई जब वाई की वैल्यू जीरो पुट करी तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आई टू के बराबर तो पॉइंट क्या मिल गया यहाँ से टू कॉमा जीरो क्या मिल गया टू कॉमा जीरो यानी कि हमारे पास एक्स कॉमा वाई का पॉइंट क्या आ गया टू कॉमा जीरो और जब x

हमें जो थर्ड इन इक्वालिटी गेमेन है उसको सिंप्लीफाई करेंगे थर्ड इन इक्वालिटी क्या गेम है ये केवे है एक्स प्लस का टू वाई तो एक्स तो प्लस का टू वाई लेसर देन इक्वल टू फाइव तो भैया इन अच्छा भैया अब कैसे सॉल्व करें भैया अब सिंपल तरीके से आपने क्या करना है सिंपल तरीके से फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे सबसे पहले आप लिख दोगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट तो भैया एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट होता है वाई की वैल्यू को जीरो

बारी में कौन सी वैल्यू रखेंगे आपकी बारी में एक्स की वैल्यू को जीरो प्लॉट किया जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी अगर एक्स की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो ये हो जाएगा टू वाई इक्वल टू फाइव तो वाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी फाइव डिवाइडेड बाय टू के बराबर आ जाएगी किसके बराबर आ जाएगी फाइव डिवाइडेड बाई टू के बराबर आ जाएगी तो आपको यहां से पॉइंट क्या मिल गया हमें पहले उससे क्या पॉइंट मिला? Y की की वैल्यू वैल्यू जब प्लॉट करी तो X की के बराबर आ तो गया जीरो तो तो आ गया इस तरीके से सबसे पहला और सबसे मेजर स्टेप जो होता है से पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है जब ये पॉइंट आपके

तो भाई इसको मैं यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आ गया सही ना ग्राफ को बिल्कुल ग्राफ पेपर वाला मैंने इसलिए रखा हुआ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए अब देखो हमारी एक वैल्यू कहाँ तक जा रही है सिक्सटीन तक जा रही है वाई के ऊपर तो हमें बड़े इंटेलिजेंटली अपना ग्राफ प्लॉट करना है हमें अपना स्केल ऐसे सेलेक्ट करना है जो बड़े इंटेलिजेंटली हो जो पूरे ग्राफ पेपर को भी कवर करे एग्जामिनर को छोटा ग्राफ देना लगे और ग्राफ के ऊपर सारे पॉइंट्स भी आ जाए तो भाई देखो सिक्सटीन जा रहा है वाई एक्सेस के ऊपर जा रहा है तो मैं एक काम करता हूं मैं एक स्मॉल बॉक्स को टू के बराबर भी हैं। चलो के बराबर नहीं करते इसको हम थोड़ा सा और स्कैटर आउट कर लेते हैं अब जरा ग्राफ ग्राफ को देखते हैं कैसे कर डिजाइन करेंगे अच्छा हमारे पास जो वाई के ऊपर वैल्यू जरा बड़ी है तो उसको उसको बड़े तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा लेट सपोज मैं कहता हूँ कि भाई हमारे पास जो एक स्मॉल बॉक्स है वो बराबर है तकरीबन टू के सही है ना टू के बराबर है ये वाला बराबर है तकरीबन एक स्मॉल बॉक्स हमारे पास किसके बराबर है टू के तो ये बराबर होगा ऑब्वियसली सी बात है फोर के ये वाला बराबर होगा किसके हमारे पास एट के इसको बल्कि सिक्स के बराबर होगा ना टू के बाद फोर फिर फोर के बाद 6, ये बराबर वाला जो होगा जाहिर सी बात है किसके हमारे पास फोर्टीन के बाद सिक्सटीन के फाइनली तो थोड़ा सा और लंबा कर देता हूँ हमारे पास किसके बराबर होगा फाइनली ये बराबर होगा हमारे पास सिक्सटीन के लास्ट वाला तो इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा स्कैटर आउट कर दिया और और नीचे भी क्या होगा नीचे इधर माइनस का टू होगा इधर माइनस का फोर होगा इधर माइनस का सिक्स होगा इधर माइनस का एट होगा इधर माइनस का टेन तो होगा इधर माइनस का ट्वेल्व होगा और इधर क्या होगा भैया माइनस का फोर्टीन और इधर क्या होगा माइनस का सिक्सटीन फाइनली ओके यहाँ पे चूंकि हमारे पास x एक्सिस के ऊपर सारी वैल्यूज कैसी हैं x एक्सिस के ऊपर हमारे पास वैल्यूज छोटी छोटी हैं x एक्सिस के ऊपर वैल्यू 3.2 पॉइंट टू है टू है फाइव है और जीरो हाई एस्ट वैल्यू 5 है तो हम इसको बड़ा बड़ा बना लेते हैं इधर मैं कह लेता हूँ इधर वन है इधर मैं कहता हूं इधर टू है इधर मैं कहता हूं इधर थ्री है इधर मैं कहता हूं इधर फोर है इधर मैं कहता हूं इधर फाइव है इधर मैं कहता हूं इधर सिक्स है इसी तरीके से मैं इस साइड पे कहता हूँ कि भैया इधर आ रहा है नेगेटिव का वन इधर आ रहा है नेगेटिव का टू इधर आ रहा है हमारे पास दो बॉक्सेस के बाद नेगेटिव का थ्री इधर आ रहा है हमारे पास नेगेटिव का फोर इधर आ रहा है हमारे पास नेगेटिव का फाइव इधर आ रहा है नेगेटिव का सिक्स तो मैंने ये स्केल जो लिखा है स्केल को पहले डिफाइन कर देता हूँ ताकि कहीं भूल ना जाओ देखो ये जो काम

आर इक्वल टू वन यूनिट आर इक्वल टू वन यूनिट टू स्मॉल बॉक्सेज आर इक्वल टू वन यूनिट ऑन एक्स एक्सेस टू स्मॉल बॉक्सेज आर इक्वल टू वन यूनिट जबकि वाई एक्सेस पे हमने क्या किया देखो वाई एक्सेस पे हमने

वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू टू यूनिट्स हमने उसको दो यूनिट्स के बराबर कंसीडर कर रहे हैं वाई के ऊपर वन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू यूनिट्स तो आपने तरीके से एक लाइन के ऊपर अपना पर्टिकुलरली स्केल तरीके से लिख दिया कि भाई हमारे पास क्या है हमारे पास देखो एक्स एक्सेस के ऊपर हमारे पास ये यह जो यहाँ पे हमारे पास क्या है पॉजिटिव का एक्स एक्सेस होता है इधर पॉजिटिव का वाई होता है हम सबको बात मालूम है लिखना जरूरी है भाई ये सारी बातें लिखना जरूरी है इधर क्या होगा नेगेटिव का एक्स एक्सेस होगा इधर नीचे क्या होगा नेगेटिव का वाई एक्सेस होगा तो आपने ये बातें लिखना बड़ी

डिवाइडेड बाई फाइव जो बराबर होता है एक्स की है थ्री पॉइंट टू या सिक्स एस की वैल्यू जो ग्री पॉइंट टू एक्स की वैल्यू क्या और तो से देखो आपके पास आपके पास एक्स एक्सिस के ऊपर ये थ्री का पॉइंट है ये फोर का पॉइंट है थ्री पॉइंट टू क्या होगा ये बीच वाला क्या है थ्री पॉइंट फाइव सी बात है थ्री पॉइंट टू लगभग कहीं इधर होगा थ्री पॉइंट टू क्या होगा इधर कहीं होगा इसको मैं अपनी निशानी के लिए हम लिख भी देते हैं इसका नाम

ये क्या आ गई हमारे पास ग्राफ की लाइन आ गई इसको यहां से भी थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूं ताकि हमारी बात समझना आगे आसान हो जाए तो हमने क्या करा भैया इस ग्राफ को यहां पे ड्रॉ कर दिया याद रखिएगा लाइन हमेशा पूरे ग्राफ पेपर मतलब बड़ी लाइने ड्रॉ किया करें छोटी सी अक्सर जैसे मैंने बताया ना कुछ बच्चे इतने मासूम से होते ग्राफ ग्राफ पेपर इतना बड़ा होगा ये अपना यहाँ पे इतना छोटा सा बना देंगे इतना छोटा सा तो एग्जामिनर भी फिर ऐसे करके लाइन मार देता है एग्जामिनर भी ऐसे करके लाइन मार देगा ना भैया तो ग्राफ पेपर के ऊपर हमेशा आपका ग्राफ एटलीस्ट एटलीट से पेपर कवर करना चाहिए अब देखो दूसरी की पॉइंट्स क्या थे टू कॉमा जीरो और जीरो कॉमा थ्री सबसे आसान पॉइंट टू कॉमा जीरो और जीरो कॉमा थ्री भाई इससे आसान क्या चीज होगी दुनिया में टू कॉमा जीरो कह रहे हैं और क्या कह रहे जीरो आइए इसको भी निकाल लेते हैं भैया कोई मसले की बात होगा अच्छा थ्री कहां से देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या आपने ऊपर देखा ना एक पॉइंट है टू कॉमा जीरो जीरो का मतलब क्या एक्स की वैल्यू जीरो देखो अब वाई पे अगर वैल्यू पॉजिटिव थ्री है तो देखो टू

2 का मतलब 2.5 ऑब्वियसली 5 by 2 क्या होता है 2.5 के बराबर अब देखो जरा और से ये क्या कह रहा है 0.5 by 2 ये देखो भाई 0.5 by 2 का मतलब क्या है कि आपके पास y के ऊपर वैल्यू क्या है 2.5 के बराबर y के ऊपर वैल्यू क्या है 2.5 के बराबर अब देखो 2 ये रहा 4 ये रहा तो 2.5 कहाँ होगा जाहिर सी बात है टू से थोड़ा सा आगे बीच में मुझे मालूम है बीच में ये वाला क्योंकि तो ये, ये जो हमने हमारे पास जो हमें ग्राफ पे वैल्यूजे ना इस तरह के ग्राफ पेपर में बहुत आएंगे तो वहां पे वैल्यू स्केटर्ड होती है आगे पीछे होंगी तो भाई देखो आपने आपने अपने स्केलिंग के ऊपर भरोसा रखना है आपने जो स्केलिंग लिया सही लिया है ना जाहिर सी बात है हमने वाई के ऊपर अपने एक स्मॉल डब्बे को दो यूनिट्स के कंसीडर करा था तभी देखो टू के बाद फोर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि देखो, थ्री, अगर टू और फोर के दरमियान में थ्री है तो, थ्री से थोड़ा पहले क्या होगा? टू होगा। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा टू पॉइंट तो की वैल्यू क्या होगी अब इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लेंगे ग्राफ प्लॉट करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना है हम लोगों ने सही ग्राफ प्लॉट करें तो भाई ये जो ग्राफ है कहां से आ रहा है इसको मैं तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों के कहां से आ रहा है हमारे पास ये वाला जो ग्राफ आ रहा है कहां गया ओके okay, ये रहा हमने क्या करना है इस ग्राफ को तरीके से प्लॉट कर देना है तो भाई अब सिंपल तरीके से अपने ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं क्योंकि जगह बहुत छोटी सी है तो हमने क्या करना है तरीके से अपने ग्राफ को प्लॉट कर देना है मैंने तभी जो है ना छोटी सी लाइन पतली लाइन इसलिए ली ताकि ग्राफ हमें आपको नजर आ जाए ना ताकि हमें ग्राफ क्या हो जाए प्रॉपरली नजर आ जाए चाहे तो बड़ी लाइन भी ले सकते हैं भाई मैं मोटी रेजर भी यूज कर सकता हूँ कि आपको नजर आ जाए ना सारी चीज आपको ईजिली नजर आ जाए तो ये वाली जो हमारी लाइन आ रही है ना फाइनली हमारे ये इस पॉइंट के ऊपर आ रही है इससे ये हमारी लाइन क्या कर रही है इस वाले पॉइंट से पास कर

से पॉइंट की वैल्यूज को क्या करना फाइंड करना सेकंड स्टेप के अंदर ग्राफ को प्लॉट करना होता है वो भी कर लिया अब फाइनली हम लोग जाएंगे अपने थर्ड स्टेप के ऊपर थर्ड स्टेप इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप थर्ड स्टेप क्या कहता है देखो थर्ड स्टेप कहता है कि बारी बारी अब हमने डिफाइन करना है कि हमें वैल्यूज कहाँ लेकर आनी है अब देखो थर्ड स्टेप हमसे क्या कह रहा है वैल्यूज को डिफाइन करवाना है अब देखो कैसे वैल्यूज को डिफाइन करवाएंगे इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मेरे प्यारे शागिर दो आप देखो आपको पहली इक्वेलिटी क्या गिवेन हमें पहली इक्वेलिटी गिवेन है 5x का y लेसर देन इक्वल

होता है इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है ट्रू है इसका मतलब स्टेटमेंट कैसी है ट्रू है तो हमारे पास जो इक्वेशन है इस इक्वेशन की वैल्यू कैसी आई है टूवर्ड दरिजन अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि कि भैया, आपकी जो आपका जो जो आपका बनेगा, वो होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे equation नहीं लिखी, जो कि आपको मैं हमेशा बताता ज़रूरत है। जल्दी से लिख लेते हैं किस को भी। हमेशा जो आप graph की lines है, उनके उनकी equations को लिखना जरूरी है उसका तो ग्राफ है उसका, कौन सा? उसका ये वाला है उसकी इक्वेशन क्या है उसकी इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस का टू वाई लेसर देन इक्वल टू सिक्स और जो हमारे पास तीसरी इक्वेशन है उसका फाइनली जो कर्व है वो ये है एक्स प्लस का टू वाई लेसर देन इक्वल टू फाइव देखो ये वाला काम करना जरूरी है मेरा बेटा मैं तो आपको बार बार डिफरेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं तो अगर किसी क्वेश्चन में मैं भूल भी जाऊ तो आपने लाजी लिखना है भाई मैं तो इंसान हुआ मैं तो टीचर हूँ भाई मैं तो आपको चार चार सारे क्वेश्चन एक साथ करवा रहा हूं तो मैं हर क्वेश्चन के अंदर एक एक स्टेप ना हो सकता भूल जाऊँ बताते हुए मेरी कोशिश तो ये होती एक ही चीज आपको बताऊता आपको सारी चीज समझना आसान हो बट अगर कभी भूल जाऊ तो सी बात है भाई आपने नहीं भूलना आपके लिए बात बड़ी नॉर्मल होनी चाहिए कि देखो ये जो आपकी चीज करनी होती है ना तो एक एक कि ग्राफ की जब आपने लाइन प्लॉट कर दी उसके बाद जिस इनक्वालिटी की वो लाइन है उसके ऊपर उसकी इक्वालिटी को

देखिएगा ओरिजिन किस जाने पर सेंटर ऑफ द लाइन का मतलब क्या यहाँ से देखा तो उसका मतलब क्या टूवर्ड्स दी ओरिजिन है यानी कि टूवर्ड्स दी ओरिजिन इसका आंसर है ओके अब नेक्स्ट इनक्वालिटी देख लेते हैं भैया हमारे, है? हमारे पास नेक्स्ट तो करूंगा तो क्या बन जाएगा zero is lesser than equal to 6. अब खुद सोच के बताओ क्या जीरो वाकई सिक्स से छोटा होता है बड़ा होता है सोच के जवाब दो सर छोटा होता है जीरो सिक्स से तो इसका मतलब क्या ये स्टेटमेंट भी कैसी है ट्रू है ये स्टेटमेंट भी कैसी है ट्रू है तो भैया हमारी

एक्स प्लस का टू वाई लेसर देन इक्वल टू फाइव तो जब एक्स और वाई की वैल्यू को जीरो प्लॉट करोगे जब एक्स और वाई की वैल्यू को जीरो प्लॉट करोगे तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा जीरो इज लेसर देन इक्वल टू फाइव इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हुआ कि भैया देखो तुम्हारे पास क्या जीरो की वैल्यू फाइव से छोटी होती है बिल्कुल होती है तो इसका मतलब क्या है आंसर कैसा है टूवर्ड्स दी ओरिजिन अगर सपोज स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो फिर अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होता है मगर यहां पे तीनों कंडीशन में क्या है टूवर्ड्स दी ओरिजिन है तो भाई देखो थर्ड इनिटी कहां गई ये रही तो इसका आंसर भी कैसा है टूवर्ड्स दी ओरिजिन टूवर्ड्स दी ओरिजन टूवर्ड्स ओरिजिन टूवर्ड्स दी ओरिजिन इसका आंसर भी कैसा है टूवर्ड्स ओरिजिन क्लियर है समझ पा रहे हो अब देखो अगर तो तुम्हारा क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक होता तो भाई तुम्हारा फिर फिजिबल रीजन क्या होता अगर तुम्हारा क्वेश्चन यहीं तक होता अगर जैसे मैंने कहा तो देखो तुम्हारा आंसर क्या होता कॉमन रीजन तो कॉमन रीजन यहाँ पे क्या होता ये वाला पूरा ये यहां से लेके पूरा ये 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 पूरा का पूरा रीजन क्या होता कॉमन रीजन होता अगर तो अगर तो सिर्फ ये तीन इन क्वेश्चन में गिवेन होती ना तो हमारा कॉमन रीजन क्या आता कॉमन रीजन का मतलब फिजिबल रीजन का मतलब कि वो रीजन जो कि पूरे के पूरे इन तीनों लाइनों को कवर कर रहा हो भाई कॉमन रीजन का मतलब क्या होता है वो कहते हैं ना कॉमन सरहद कौन है पाकिस्तान और इंडिया की कॉमन सरहद कहां पर है वाघा के ऊपर भी है थरपारकर के ऊपर भी लगती है सखर के आ, 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 आगे भी जाके आपके पास लगेगी थरपारकर वाली साइड ही हो गई सियालकोट वाली साइड पर भी लगेगी कश्मीर वाली साइड पर भी लगेगी कॉमन रीजन है दोनों के कॉमन बॉर्डर है इसीलिए कॉमन रीजन क्या होगा इन तीनों इनक्वालिटीज का वो रीजन जो तीनों में कवर करता हो जो वो रीजन जो कि हमारे पास तीनों लाइंस के अंदर कॉमन आ रहा तो ये पूरा रीजन होता अगर ये सिर्फ तीन होती मगर यहाँ पे तो तीन थोड़ी है ज्यादा है यहाँ पे क्या है ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास आइए चेक कर लेते हैं अगर आप और से देखें तो क्वेश्चन में जो आपको लास्ट इनिटी गिविन है वो क्या कहती है कि x इज ग्रेटर देन जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो इसके मायने क्या हुए इसके मायने ये हुए कि भैया x और y की वैल्यू जीरो से बड़ी है एक्स और वाई की वैल्यू कैसी है जीरो से बड़ी है यानी कि हम सिर्फ वही रीजन कंसीडर करेंगे जो कि पॉजिटिव रीजन है तो ये सारा रीजन जो होगा कट जाएगा जिसको मैंने मार्क किया ये सारा रीजन क्या होगा कट जाएगा

वो क्या होगा वो छोटा सा रीजन हमारा आंसर होगा ये जो छोटा सा रीजन हमने फॉर्म किया यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा ये जो रीजन आप देख रहे हैं इसको मैंने हाईलाइट करा ये वो रीजन है जो कि ना सिर्फ कॉमन है

हमने आंसर का एक पार्ट फाइंड कर लिया हमने अपना रीजन बता दिया अब एग्जामिनर अगर कहता है कि भाई फिजिबल कॉर्नर्स भी बता दो तो भैया कॉर्नर्स कैसे निकाल लेंगे अपने फिजिबल कॉर्नर्स तो देखो कॉर्नर्स निकालने का मतलब क्या है देखो हमारे पास एक कॉर्नर हमारे पास क्या है एक कॉर्नर जो है हमारे पास वो हमारा ये वाला है एक कॉर्नर हमारा ये वाला होगा तो ये कॉर्नर की वैल्यू क्या होगी इस कॉर्नर की पॉइंट क्या था देखो इसका पॉइंट है 0, 5/2 इस पॉइंट की वैल्यू क्या है 0, 5 डिवाइडेड बाय 2 फिर हमारे पास ये वाला जो फिजिबल कॉर्नर है इसकी वैल्यू

कंसीडर कर सकते हैं तो इसकी वैल्यू भी निकाल लेते मसले की बात थोड़ी है इसकी वैल्यू क्या होगी भाई देखो इसकी वैल्यू निकालने का तरीके अगेन अगेन देखो ये हमारे पास कहां पे लाई कर रहा है ये हमारे पास सम हाउ जो लाई कर रहा है देखो ये वन से पहले और जीरो से आगे तकरीबन ये देखो कितना जा रहा है टू से थोड़ा सा आगे है टू पॉइंट वन कह सकते टू तो तो पॉइंट वन किसके बराबर होता है कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए डाल के टू पॉइंट वन टू पॉइंट वन बराबर होता है ट्वेंटी वन बाय टेन के या अगर मैं इसको लिखू 2.25 कर 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 लो 2 .2 कर लो 2 .2 कर लो 2.2 2.2 2.2 किसके बराबर होता इलेवन बाई फाइव के तो ये किसके बराबर आ गया 11 बाई फाइव के देखो ये जो पॉइंट होता है ना ऐसा पॉइंट जो कि डायरेक्टली आपको कोई कर्व के अंदर कोई पॉइंट ना मिल रहा हो देखो इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किसी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है हमारे पास जो ये वाला पॉइंट जैसे आया ये वाला जो पॉइंट आया ये वाला जो पॉइंट आया ये तो हमारे पास जब हमने डायरेक्टली अपनी इन को ड्रॉ किया था तो हमारे पास ये पॉइंट हमें डायरेक्टली मिल गए ये तो वो पॉइंट है फिजिबल कॉर्नर के ऊपर जो हमारे कॉर्नर गेम थे वो इतने परफेक्ट गेम थे डायरेक्टली इन इक्वालिटीज वाले पॉइंट्स के ऊपर ही तीन पॉइंट्स तो आ गए मगर देखो यहाँ पे भी जो हमारा कॉर्नर फॉर्म हो रहा था उस कॉर्नर का पॉइंट ये कैसे ही आपको डायरेक्टली इक्वालिटी में नहीं गेम था तो हमें इसको ग्राफ के जरिए निकालना पड़ता है तो इसके अंदर आपकी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है दस बीस परसेंट इसमें कोई मसले की बात नहीं है क्योंकि ये आपके ग्राफ पे डिपेंड करता है अब और वाई पे इधर कहीं लाई कर उससे थोड़ा सा पहले लाई कर रहा होगा तो अगर थ्री लाई कर रहा है वाई के ऊपर तो मैंने टू पॉइंट टू लिया हुआ हमारे पास चौथे पॉइंट की वैल्यू क्या बाई टू कॉम इलेवन बाईव इलेवन बाईव का मतलब होता है आपने कुछ भी नहीं करनाटेट पर आपको जो है ना वो फ्रैक्शनल के अंदर वैल्यू बता देगा तो वन बाय टू आ गया मल्टीप्लाई बाई इलेवन पॉइंट फाइव कैसे आया आपने सिंपल जो कैलकुलेटर पे डाल दिया तो उसने आपको बता दे कि भाई ये कैलकुलेटर के ऊपर तुम्हारे पास होगा टू पॉइंट टू इलेवन बाई फाइव के बराबर इस तरीके से आपके क्या आ गए आपके फिजिबल रीजन आ गए इस तरीके से क्या आ गए हमारे फिजिबल रीजन आ गए और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फाइनली क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा अब मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है किसी बच्चे को देखो बिल्कुल एक्सरसाइज नाइन के तरह के क्वेश्चन है बस खाली डिफरेंस क्या है यहाँ पे कि भाई आपको एक से ज्यादा वहां पे एक इनवैलिडिटी थी तो 2.2 के पहले क्वेश्चन में दो

देखो भाई मेरे पढ़ाने का तरीका बड़ा सिंपल है बड़ा है कि अगर दो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं तो बेटा जाहिर सी बात है एक क्वेश्चन तो फिर आप लोग भी करोगे ना ता ताकि पता कैसे चलेगा कि आपको एक बात समझ में आई है कि नहीं आई है क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर थ्री अगेन बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है सबसे पहले नंबर के ऊपर आपसे वही बात की जा रही है फिजिबल रीजन निकालना है फिजिबल कॉर्नर निकालना है एंड सो ऑन पहला स्टेप क्या होता है कि भाई क्वेश्चन को एक दफा आप एल्डेज उतारोगे ताकि आप उनको इक्वेशन वाइज नंबरिंग कर सको कि भाई इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री इक्वेशन फोर तो पहला स्टेप क्या होता है क्वेश्चन को एल्डेज एक दफा उतार लेना सेकेंड स्टेप के अंदर हम लोग अपने पॉइंट्स की वैल्यूज को फाइंड करते हैं डेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि इसी पॉइंट की वैल्यूज को अगर आप तरीके से फाइंड नहीं करोगे आप ग्राफ नहीं बना सकते तो ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट की वैल्यूज को निकालना बहुत जरूरी होता है तो आइए चलते हैं जरा पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए तो भाई देखो हमारे पास इक्वेशन नंबर वन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू तो इक्वेशन नंबर वन हमारे पास इक्वेशन इन क्या गिवन है हमें इक्वालिटी गिवन है सिक्स एक्स प्लस का फाइव वाई ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्टीन ग्रेटर टू फोर्टीन देखो मेरे प्यारे आप ना अगर पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड करना है तो ऑब्वियसली के साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करवाना पड़ता है तो क्या क्या बन जाएगी इक्वेशन इक्वेशन बन जाएगी सिक्स एक्स प्लस का फाइव पाई इक्वल टू फोर्टीन अब सिंपल तरीके से हम लोग पहले एक्स इंटरसेप्ट करेंगे फिर वाई इंटरसेप्ट करेंगे और पॉइंट की वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे

अब सेकंड इक्वाली के ऊपर चले जाएंगे देखो भाई सेकंड इन क्या है हमारे पास वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है सेकंड इन लाइन को सही करके बना देता हूं आप लोगों के लिए लाइन थोड़ी सी क्या करते हैं भैया सही कर लेते हैं ताकि सही अच्छी सी मजे की लाइन बन जाए ना यार अच्छा भाई अब देखो सेकंड इक्वालिटी आ रही है हमारे पास फोर एक्स प्लस टू वेल ऐसे टू टेन तो वाली इसके अंदर से पॉइंट की वैल्यूज को निकालेंगे देखो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा पार्ट है देखो अगर आपने मेरी मेरे चैप्टर अगर मुझसे ना आपने एक क्वेश्चन का भी पैटर्न समझ लिया बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना हलवा है भाई हलवा सही ना भाई तो सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर टू पे चले जाएंगे अब देखो मेरे प्यारे शागर्डों इक्वेशन नंबर टू इक्वेशन नंबर टू के हमारे पास ये आ रही है 4X लेसर देन इक्वल टू टेन इस इनक्वालिटी से अगर पॉइंट निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सबसे पहले नंबर के ऊपर इनइलिटी के साइन को कन्वर्ट करवा देंगे इक्वल टू के साइन के ऊपर अब सिंपल तरीके से अगेन एक्स इंटरसेप्ट करेंगे सबसे पहले तो क्या लिखूंगा फॉर एक्स इंटरसेप्ट फॉर एक्स इंटरसेप्ट मेरे प्यारे शागिर्दो क्या लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट भाई एक्स इंटरसेप्ट के मायने क्या है वाई की वैल्यू को जीरो प्लॉट कर देना वाई की वैल्यू को जीरो प्लॉट करना क्या है एक्स इंटरसेप्ट है हमारे पास तो जल्दी से काम कर सकते हैं तो भाई वाई की वैल्यू को जीरो रखूंगा तो क्या बन जाएगा 4X 10. तो एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी टेन डिवाइडेड बाई फोर बी टू फाइव टू टू जय फोर तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई फाइव डिवाइडेड बाई टू के बराबर एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई फाइव बाई टू के बराबर तो पॉइंट क्या बन रहा होगा फाइव बाई टू कॉम जीरो का इसी तरीके से हम लोग जाएंगे वाई इंटरसेप्ट के ऊपर तो क्या लिखूंगा फॉर वाई इंटरसेप्ट फॉर वाई इंटरसेप्ट फॉर वाई इंटरसेप्ट क्या होता है एक्स की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवाना एक्स की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवाना इज वाई इंटरसेप्ट तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा मेरा बच्चा ये हो जाएगा सिंपली हमारे पास टू वाई इज इक्वल टू टेन तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी टेन डिवाइडेड विल बी तो पॉइंट क्या होगा जीरो तो जल्दी से पॉइंट लिख लेते हैं भैया अपने पॉइंट लिखेंगे जल्दी से देखो भाई यहां से हमारे पास पॉइंट क्या आया देखो y की वैल्यू जब जीरो प्लॉट करी तो x की वैल्यू आ रही है by तो पॉइंट क्या बन गया by 2, 0. हमेशा हैल्फाबेटिकल ऑर्डर में पॉइंट बनता है पहले पहले आता है एक्स को पहले लिखा, भाई को लिखा बाद में लिख दिया अच्छा भाई एक्स की वैल्यू मेरे प्यारे शागिर दू? ये बन गया अब क्या करना है अब सिंपल तरीके से हम लोग तीसरी वाली से पॉइंट निकाल लेंगे देखो कितनी आसान सी चीज है कितनी मजे की चीज है आप लोग हैं मुश्किल है मुझे बताइए क्या मुश्किल है इसके अंदर भाई क्लियर है मेरा प्यारा बच्चा इसी तरीके से हम लोग जाएंगे इक्वेशन नंबर थ्री के ऊपर किसके ऊपर जाएंगे इक्वेशन नंबर थ्री के ऊपर ओके अब देखो इक्वेशन नंबर थ्री जो हमारे पास है ये क्या इक्वेशन है थ्री एक्स माइनस का टू वाई लेसर देन इक्वल टू टेन अगेन हम लोगों ने क्या करना है सबसे पहले इन पॉइंट निकालना होता है तो भैया के के सिंबल को इक्वल टू साइन से रिप्लेस करवा देते हैं अब पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले लिखोगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट फॉर एक्स इंटरसेप्ट तो भैया एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है अब तो याद हो जाना चाहिए वाई की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवाना तो वाई की वैल्यू अगर जीरो रख देंगे तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू टेन तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई टेन डिवाइडेड बाई थ्री के बराबर आ गई किसके बराबर आ गई टेन बाई थ्री के बराबर आ गई इसी तरीके से जाएंगे y इंटरसेप्ट के ऊपर तो क्या लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट फॉर y इंटरसेप्ट फॉर y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है x की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवाना x की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवाना क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगी इक्वेशन ये हो जाएगी माइनस का टू वाई टू टेन की वैल्यू किसके किसके बराबर 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 आ जाएगी? के के बराबर, बराबर आ जाएगी जाएगी माइनस 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 के 5 के तो हो हो हैं, हो के के डिवाइड ऊपर तो मिल गया टेन डिवाइडेड बाई थ्री जीरो एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर वाई की वैल्यू नेगेटिव फाइव मिली तो पॉइंट क्या मिल गया जीरो कॉमा नेगेटिव फाइव क्या मिल गया जीरो कॉमा नेगेटिव फाइव

फोर्टीन डिवाइडेड बाई फाइव किसके बराबर होता है ये होता है टू पॉइंट एट फोर्टीन बाई फाइव का मतलब क्या है टू पॉइंट एट क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यूज आपको नहीं पता ना एक्टली पॉइंट क्या होगा फाइव बाई टू तो हम सबको मालूम है किसके बराबर होता है टू पॉइंट फाइव के बराबर होता है फाइव का फाइव हो गया टेन बाई थ्री क्या क्या होता है भाई टेन बाई थ्री बराबर होता है थ्री पॉइंट थ्री के टेन बाई थ्री का मतलब क्या है थ्री पॉइंट थ्री

के नंबर होते हैं भाई मुफ्ते का काम नहीं होता अगर ग्राफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो सारी छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए मैंने ग्राफ पेपर वाला एक तो मॉड्यूल भी यहाँ पे लिया हुआ अब ग्राफ पेपर बनाने पर पे जाते हैं इस तरीके से इसको अच्छा सा ड्रॉ कर दिया अब देखो भाई हमें मालूम है हमें मालूम है सारी बातें लिखनी होती है वही सारी बातें को छोड़ना नहीं होता इधर हमारे पास होगा पॉजिटिव का एक्स एक्सिस ऑनलो दिस थिंग इधर हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव का वाई एक्सेस होगा

और यहाँ पे फाइव इसी तरीके से y के ऊपर भी प्लॉटिंग कर लेंगे y के ऊपर जिनके मैक्सिमम वैल्यू फाइव तक जा रही है तो इसके ऊपर भी छोटा ग्राफ है तो टू स्मॉल बॉक्सेस को वन यूनिट ले लेते हैं भैया तो वन टू थ्री इधर आ गया फोर और जाहिर सी बात है ऊपर क्या होगा हमारे पास इधर ऊपर होगा हमारे पास फाइव तो इधर ऊपर हमारे पास क्या है फाइव की वैल्यू क्या है हमारे पास इधर ऊपर इधर हमारे पास ऊपर होगी फाइव की वैल्यू इसी तरीके से इधर हमारे, हमारे, हमारे पास क्या होगा नेगेटिव का वन इधर होगा नेगेटिव 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 का 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 इधर 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 होगा 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 हमारे हमारे पास पास क्या क्या और बेटा सही है भैया हमने इस तरीके से इसको प्लॉट कर दिया अब नीचे भी करना पड़ेगा हमें जाहिर सी बात है नीचे भी कर लेंगे जल्दी से तो नीचे भी कर लेते हैं जल्दी से मेरा बेटा कैसे करेंगे इधर हमारे पास होगा नेगेटिव का वन इधर होगा हमारे पास नेगेटिव का टू इधर होगा हमारे पास नेगेटिव का थ्री और इधर हमारे पास क्या होगा नेगेटिव का फोर और हमारी लाइन थोड़ी सी और लंबी होगी यहाँ पे ताकि हमारे पास नेगेटिव का फाइव भी मिल जाए तो नेगेटिव का फाइव लाने के लिए मैं अपनी थोड़ी सी लाइन को इंक्रीज कर देता ताकि हमारे पास इधर कहीं पे नेगेटिव का फाइव बन जाएगा सही है ना भाई इधर क्या बन जाएगा हमारे पास ताकि नेगेटिव का फाइव सही है ना भैया इधर हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव का फाइव आ गया अब हमने अपना स्केल डिफाइन कर दिया तो अपने स्केल को जल्दी से यहाँ पे लिख लेंगे अच्छे बच्चों की तरह भाई स्केल लिखना बहुत जरूरी है देखो ये बेसिक बेसिक बातें है ना ये आपको टीचर्स हाली भाई नॉर्मली बोर्ड पे ऐसे सिखा देते हैं भाई ऐसे नहीं सिखाना देखो अगर मैं अपना टाइम यहाँ पे लगा रहा हूँ इसलिए लगा रहा हूँ कि आपकी बात समझ में आए तो अब स्केल देखो क्योंकि हमने स्केल एक ही तरह कंसिडर करा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो ऑन x एंड y एक्सेज ऑन x एंड y एक्सेज ऑन x एंड y एक्सेज ऑन एक्स एंड वाई एक्सेज टू स्मॉल बॉक्सेस आर इक्वल टू वन यूनिट टू स्मॉल बॉक्सेस टू स्मॉल बॉक्सेस अगर स्केल नहीं लिखेंगे नहीं लगे, मिलेंगे प्लॉट कर लेंगे तो भाई देखो हमारे पास पहली वाली इक्वाली के दो पॉइंट्स कौन कौन से है? एक है सेवन बाई थ्री कमा जीरो तो भाई देखो सेवन बाय थ्री क्या होता है टू पॉइंट थ्री होता है कैलकुलेटर पर डाल के आप चेक कैलकुलेटर कैलकुटे सिंपल है तो किसके बराबर आएगा टू पॉइंट थ्री केवन बाई थ्री कमा जीरो का मतलब क्या है आपको एक्स की वैल्यू घे मैंने वाई की वैल्यू जीरो है यानी कि टू पॉइंट थ्री कॉमा जीरो तो भाई देखो 2.5 इधर है इधर देखो भाई सारे बच्चे इधर देखो 2.3 इधर होगा 2.5 इधर होगा तो 2.3 लगभग इधर कहीं पे होना चाहिए 2.3 इधर कहीं पे होना चाहिए तो इसको आप लिख दीजिए ये कौन सा पॉइंट आ गया 7 3, वाला पॉइंट है ये कौन सेवन बाई थ्री कमा जीरो वाला पॉइंट पहले पॉइंट को प्लॉट कर दिया दूसरा पॉइंट देखते हैं भैया देखो क्या है जीरो जीरो का मतलब है? क्या है बाई फाइव क्या होता है टू पॉइंट एट आइए चेक कर लेते हैं जीरो यानी टू पॉइंट एट देखो मेरे पैर शागि टू इधर है थ्री इधर है और बीच में क्या होगा टू पॉइंट फाइव होगा तो टू पॉइंट एट काट जाहिर सी बात है थोड़ा सा साइंट एट होगा, होगा इधर कहीं पे क्या होगा टू पॉइंट ये जो पॉइंट है क्या है डिवाइडेड बाय फाइव वाला ये कौन सा पॉइंट होगा जीरो वाला तो ये हमें दो पॉइंट मिल गए इसके ऊपर अपनी जल्दी से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे जल्दी से अपने यहाँ पे क्या कर लेंगे लाइन को ड्रो तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें अपनी लाइन मिल गई इसको थोड़ा एक्सटेंड करके बनाना होता है ऑब्वियसली तो आप क्या करो इसको यहाँ से नीचे से भी मैं एक्सटेंड कर दूंगा हमेशा याद रखिएगा लाइन हमेशा थोड़ी लंबी ड्रॉ किया करें सही ना ताकि ग्राफ पेपर के ऊपर पूरी आपकी सेवेंटी परसेंट तक के ऊपर लाइन जाए सही ना भाई आपने तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है सही है ना अच्छा अब देखो सेकंड इन के दोनों पॉइंट्स कौन कौन से हैं भैया सेकंड इक्वालिटी के कौन कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं एक आ रहा है फाइव बाई टू कॉमा जीरो और एक आ रहा है जीरो क्या मजे का पॉइंट है भाई एक आ रहा है टू पॉइंट फाइव का और एक आ रहा है जीरो का तो भाई टू पॉइंट फाइव होगा ये रहा हमारे पास

तो जल्दी से इसकी इन को ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से क्या करेंगे इसकी इन को इसकी इक्वेशन को इनइक्वालिटी की इक्वेशन को ग्राफ के तौर पर ड्रॉ कर देंगे तो भाई जल्दी से ये इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ इसका बन गया तो इसको जरा नीचे से भी एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा ताकि हमारे पास बड़ा सा हो जाए इसको यहाँ से हमने एक्सटेंड कर दिया ओके भैया वेरी गुड भाई वेरी गुड अब हम फाइनली चले जाएंगे अपनी तीस इन के ऊपर अब क्या करेंगे बेटा तीसरीवालिटी के पॉइंट देख लो तीसिनक्वालिटी क्या है टेन डिवाइडेड बाई थ्री कॉमा जीरो यानी कि थ्री पॉइंट थ्री होता है टेन बाई थ्री क्या होता है थ्री पॉइंट थ्री कॉमा जीरो ओके भाई तो थ्री पॉइंट थ्री देखो कहां पर आएगा इधर देखो भाई सारे बच्चे सारे बच्चे इधर देखो भाई हमारे पास थ्री ये रहा फोर ये रहा बीच में क्या है थ्री पॉइंट फाइव तो थ्री पॉइंट थ्री क्या होगा इधर कहीं पे होगा थ्री पॉइंट थ्री कहां पर होगा इधर कहीं पे होगा तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा इस पॉइंट का नाम मैं इधर कहीं लिख देता हूँ जीरो वाला पॉइंट इस पॉइंट का नाम क्या है टेन डिवाइडेड बाई थ्री कॉमा जीरो वाला पॉइंट आ गया अच्छा इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा मैं जो है इस तरफ करके लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए ये पॉइंट कौन सा है फाइव डिवाइडेड बाई टू कॉमा जीरो वाला ताकि भाई कंफ्यूज ना हो जाओ मुझे तो मसला नहीं है अच्छा भाई अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है इस का बना लेंगे जल्दी से कहा गया भाई हमारा इनइक्वालिटी इसका ग्राफ कैसे बनेगा ये रहा इसकी ग्राफ की लाइन ड्रॉ कर लेंगे जल्दी से तो भैया यहां से लेके ये आ रहा होगा इसका यहां तक का ग्राफ हमारे पास सिंपल तरीके से सह ना भाई इसका ग्राफ भी आपने ड्रॉ कर लेना है तरीके से अच्छा भाई इसको थोड़ा सा हम यहाँ से भी एक्सटेंड कर देंगे ताकि एक्सटेंड प्रॉपरली हो जाए सही ना मेरे प्यारे शाह हमने यहाँ से भी इसको हल्का सा एक्सटेंड कर दिया ये हमारा क्या बन गया ग्राफ बन गया अच्छा सा हमारा क्या बन गया ग्राफ बन गया सही है ना भैया तो ये हमारे पास फाइनली तीनों के तीनों हमने अपनी इनक्वालिटीज के ग्राफ्स को ड्रॉ कर दिया अब इनके नाम इनके नाम लिखना बहुत जरूरी होता है भाई नाम लिखना बहुत जरूरी है देखो सारा लाइन वाइज चलना है आपने अगर आप चाहते हो फुल नंबर मिले ग्राफ के लाइन वाइज अब देखो भाई पहली वाली इनक्विलिटी की क्वेश्चन क्या सिक्स एक्स प्लस फाइव फिर इक्वल टू फोर्टीन तो पहली वाली इनइक्वालिटी कहां गई हमारे पास ये वाली आ रही थी तो इसका नाम इसके ऊपर लिख देते हैं भैया इस इनइक्वालिटी का नाम क्या है आ, 6x प्लस का 6x प्लस का 5y 6x प्लस का 5y आगे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 14 ग्रेटर देन इक्वल टू 14, 14 क्लियर है दूसरी वाली जो इनइक्वालिटी थी इसका नाम क्या है इसका नाम है 4X, भाई मुझे करके लिखना थोड़ी सी राइटिंग अजीब होगी आप पेपर और तीसरी वाली इनक्वालिटी की वैल्यू क्या है तीसरी वाली इनिटी की इक्वेशन क्या है मेरा बेटा ये हमारे पास है थ्री एक्स माइनस का टू वाय थ्री एक्स माइनस का टू वाय

जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं तो भैया देखो बात समझो आपके पास पहली इन की वैल्यू क्या है? पहली इन है सिक्स एक्स प्लस का फाइव वाई ग्रेटर टू फोर्टीन तो हमने करना क्या एक्स और वाई की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवा देना है तो अगर एक्स और वाई की वैल्यू को जीरो प्लॉट करवा देंगे तो क्या बन जाएगा जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर्टीन मुझे सोच के जवाब दीजिएगा क्या ये आपके पास स्टेटमेंट सही है गलत है सोच के जवाब दो क्या जीरो वाकई तौर पे फोर्टीन से बड़ा होता है या छोटा होता है सोच के जवाब दो क्या जीरो फोर्टीन से बड़ा है या छोटा है हम सबको मालूम है जीरो फोर्टीन से क्या होता है छोटा होता है इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसी है फॉल्स है इसका मतलब क्या है कि हमारी जो पर्टिकुलर लाइन है ये अवे फ्रॉम ओरिजिन का रीजन शो करेगी यानी कि हमारी जो इनक्वेलिटी का ग्राफ होगा ये अवे फ्रॉम दी ओरिजन के ऊपर सेटिस्फाई होगा क्योंकि हमारी जो इनक्वेलिटी आई जब मैंने उसके अंदर एक्स और वाई की वैल्यू जीरो प्लॉट करी

इस ग्राफ का हमारा आंसर है ये वाला रीजन हमारा इस ग्राफ का क्या है आंसर है यानी कि अपोजिट अवे फ्रॉम दी ऑरिजन हमारा क्या है आंसर है ओके ये काम कर दिया अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे भैया अब इसी तरीके से हम लोग दूसरी वाली इक्वेशन देख लेते हैं तो देखो भाई दूसरी वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास दूसरी वाली इक्वेशन है हमारे पास टू वाई लेसर देन इक्वल टू टेन तो भाई देखो अगर इसके अंदर अगर इसके अंदर मैं x और y की वैल्यू को जीरो प्लॉट करता हूं तो क्या बन जाएगा आंसर ये बन जाएगा जीरो इज लेसर देन इक्वल टू टेन सोच के जवाब दीजिएगा सोच के जवाब दीजिएगा क्या यह चीज सही है कि गलत है क्या है क्या जीरो वाकई से छोटा होता बड़ा होता है आप बोलेंगे सर जीरो तो वाकई से छोटा होता है जीरो क्या होता है हमारे पास टेन से छोटा होता है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट कैसी है ट्रू है स्टेटमेंट कैसी है ट्रू है यानी कि इस वाली इक्वेशन का आंसर किस जाने होगा

लेसर देन इक्वल टू एट लेसर देन इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर क्या है एट है सही है ना भैया तो अगर मैं एक्स और वाई की वैल्यू को यहाँ पे जीरो प्लॉट करता हूं तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा इज जीरोक्वल टू एट सोच के जवाब दीजिए कि जीरो वाकई से छोटा होता है बड़ा होता है जीरो से बिल्कुल ऐसा ही है सर इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसी है ट्रू है इसका मतलब क्या है मेरा बेटा ये स्टेटमेंट कैसी है हमारे पास ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है इसका मतलब क्या है आंसर क्या होगा टूवर्ड्स दी ओरिजिन आंसर क्या होगा Towards the origin का होगा तो भाई तीसरी हमारे पास ये ये रही तो इसका 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 कैसा है towards the origin. देखो ये जो है है देखो जो ना ना यानी कि पूरी वाला correct आंसर होगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा ओरिजिन वाला तो यहाँ तक की बात तो सबसे पहले आप तमाम बच्चों को क्लियर हो जानी चाहिए क्लियर है भाई यहां तक की बात बिल्कुल पिछले की तरह का क्वेश्चन है अच्छा तो बेटा मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ग्राफ को ज़ूम आउट कर दिया ताकि हमारे लिए क्वेश्चन को देखना और समझना भी ग्राफ को बड़ा आसान बन जाए अब देखो अगर तो आपका क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक होता ना तो उस सूरत में बताइए हमारा आंसर क्या होता अभी आप बेशक चौथी इक्वेशन को छोड़ दीजिए अगर मेरा क्वेश्चन यहीं तक होता तब हमारा ग्राफ का आंसर क्या होता भाई हमारा आंसर आंसर क्या होता है हमेशा देखो कभी भी अगर आपको कॉमन इनक्वलिटी का ग्राफ करना है यानी कि तीन ज्यादा सेक्वेश दो इक्वेशन गेमे उनका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ का मतलब क्या होगा उनका कॉमन पार्ट उनका कॉमन पार्ट क्या होगा तो भाई उस सूरत के अंदर हमारा कॉमन पार्ट क्या होता जाहिर सी बात है देखो इस वाली पहली इनक्वेलिटी का कॉमन पार्ट पहली इनक्वेलिटी का ग्राफ चूंकि अपने वे फ्रॉम दी ओरिजिन ये वाला हिस्सा था उसका है ना ये वाला हिस्सा था पहली वाली इनइक्वालिटी के लिए दूसरी वाली इनइक्वालिटी का टुवर्ड्स दी ओरिजिन था वो भी यही वाला हिस्सा था और तीसरी वाली इनइक्वालिटी के पास तो सिर्फ इतना छोटा सा हिस्सा अलॉय कर रहा है, इतना छोटा सा तो जो कॉमन पार्ट है इन तीनों इक्वेशंस के अंदर कॉमन पार्ट जो इन तीनों इनइक्वालिटीज के अंदर वो सिर्फ ये वाला है जो कॉमन पार्ट है इन तीनों इनइक्वालिटीज के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला होगा कॉमन पार्ट अगर क्वेश्चन यहीं तक होता मगर क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन आपसे एक बात और कह रहा है क्वेश्चन हमसे लास्ट में क्या कह रहा है एक जुमला और कहता है और वो जुमला क्या कह रहा है वो कहता है कि

ये वाला हिस्सा होगा सिर्फ ये वाला हिस्सा ये जो हिस्सा है हमारे पास यहां से लेके इधर इसको मैं छोटा सा और थोड़ा छोटा कर देता हूं अपने सर्कल को ताकि आपको बात जान नजर आ जाए ना पूरी पूरी बात नजर आ जाए इधर जरा गौर से देखिएगा ये जो हिस्सा होगा ना यहाँ तक का ये वाला जो रीजन होगा जो मैंने अभी मार्क करा है ग्रीन कलर से ये हमारा जो रीजन होगा ये रीजन हमारे पास कौन सा होगा हमारा फिजिबल रीजन होगा क्योंकि ये जो रीजन है ये ना सिर्फ ग्रेटर देन जीरो है बल्कि तीनों के अंदर कॉमन भी होगा अच्छा अब आप बोल रहे होंगे सर थर्ड लाइन में तो कोई चीज कॉमन नहीं है तो कोई मसले की बात नहीं है क्योंकि थर्ड लाइन में जो चीज कॉमन आ रही है वो हमारे पास बेसिकली क्या है वो हमारे पास नेगेटिव एक्स के ऊपर होगी यानी कि हम इस वाले रीजन को कंसीडर नहीं कर सकते अगर मैं हम देखें तो भाई हमारे पास वो ये रीजन है हम इसको कंसीडर ही नहीं कर सकते क्यों नहीं कंसीडर कर सकते इस वाले रीजन को क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव एक्स के ऊपर है और एग्जामिनर क्या कह रहा है चौथा पॉइंट क्या कहता है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए तो हम इस रीजन को भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहां हाँ पे नेगेटिव वाई होगा इस रीजन को भी कोई कंसीडर नहीं करेगा इस रीजन को भी कंसीडर नहीं करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वाला हिस्सा हमारा आंसर होगा तो ये हमारा क्या आ गया फिजिबल रीजन आ गया जो मैंने ग्रीन कलर से शो कर अब एग्जामिनर अगर फिजिबल कॉर्नर पूछ रहा है तो भाई फिजिबल कॉर्नर भी निकाल लेंगे कोई मसले की बात थोड़ी है तो भाई देखो फिजिबल कॉर्नर हमारे पास क्या क्या होंगे एक फिजिबल कॉर्नर इधर और से देखिएगा एक फिजिबल कॉर्नर में अपने पेन की इंक भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको बात पूरी नजर आ जाए एक फिजिबल कॉर्नर हमारे पास कौन सा होगा ये वाला होगा है ना भाई हमारे पास एक फिजिबल कॉर्नर कौन सा होगा ये जो मैंने पॉइंट जहां पे घूम रहा है ये वाला सही ना बात समझ पा रहे हैं ये एक फिजिबल कॉर्नर है और देखो इस पॉइंट की वैल्यू क्या है इस पॉइंट की वैल्यू है 7 3 0 फिर एक फिजिबल कॉर्नर हमारे पास ये वाला होगा इस पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर है 5 2 0 के बराबर सबसे पहले हमेशा उन पॉइंट्स को पिक किया करें जो कि आप क्वेश्चन में गिवेन थे जो कि हमने खुद पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे तो एक फिजिबल कॉर्नर ये आ गया एक फिजिबल कॉर्नर ये आ गया एक फिजिबल कॉर्नर जाहिर सी बात है कॉर्नर्स का मतलब ही क्या होता है कोने वाले पॉइंट्स आप इस पॉइंट को नहीं ले सकते भाई कोने वाले पॉइंट एक ये पॉइंट है इसकी वैल्यू क्या है 0,5 के बराबर और एक फिजिबल कॉर्नर ये होगा और इस फिजिबल कॉर्नर का पॉइंट क्या है देखो भैया इसका पॉइंट है 0,14 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हमारा हमारे फाइनली सारे के सारे फिजिबल कॉर्नर आ गए ये हमारे सारे के सारे क्या आ गए फिजिबल कॉर्नर आ गए इस तरीके से हमारे क्वेश्चन के फिजिबल रीजन के फिजिबल कॉर्नर आ गए और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए इसमें क्या मसला है देखो एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन मैंने बहुत डिटेल में इसलिए समझाई थी

पूरे नंबर आप इजी ले सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर तो यहाँ पे हमारे पास ना सिर्फ एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारे पास इनशा नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे मुलाकात होगी मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में आपने याद रखना है अच्छा एक छोटी सी बात भाई कुछ बच्चे मुझसे बार बार फरमाइश करें चैप्टर नंबर सेवन की या एट की तो मेरे प्यारे चैप्टर नंबर शाहन हो गया 6 हो गया ये आपके पास आ रहा है प्रोबेबिलिटी कम्बिनेशन प्रमोटेशन वाला और चैप्टर नंबर सेवन इज बाइनल इंडक्शन वाला मैंने ओल्ड बुक के अंदर यानी जो पुरानी किताब थी उसमें दोनों चैप्टर कवर करवाए हुए हैं टिकोनोमेट्री भी पूरा कवर करवाया हुआ है तो भाई जब तक मैं उनको अपलोड नहीं कर रहा न्यू बुक के हिसाब से आप पुरानी बुक के लेक्चर ले सकते हैं उससे फायदा ये होगा कि उस नई किताब के अंदर वही सारे क्वेश्चन मेजॉरिटी मौजूद हैं तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है भाई ये बाइनोमियल थ्योरम हो गया या मैथमेटिकल इंडक्शन के जो क्वेश्चन है मैंने सारे कवर करवाए हुए हैं एट पॉइंट वन के हमारे वहां पर पुरानी किताब में चैप्टर नंबर एट था आपका जो आज की किताब में चैप्टर नंबर सिक्स है वो पुरानी किताब के अंदर क्या था चैप्टर नंबर सेवन था और आपका आज की किताब में चैप्टर नंबर सेवन किताब में चैप्टर नंबर था तो अगर आप प्रोबेबिलिटी कम्बिनेशन पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे लास्ट ईयर के चैप्टर नंबर केवन के लेक्चर दे लीजिए और अगर आप मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायोमिक थियोरम का लेक्चर रहे हैं तो आप चैप्टर नंबर एट लास्ट किताब का पढ़ सकते हैं और अगर आप टिकोनोमेट्री का लेक्चर देना चाह रहे हैं तो भाई चैप्टर नंबर नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन मैंने कवर करवाया हुआ है लास्ट किताब का आप उसको भी देख सकते हैं भैया लास्ट किताब में नाइन टन इवन टर्टीन के नाम से था तो यहाँ पे आप उन लेक्चर्स को ले सकते हैं जब तक मैं न्यू के साथ से कवर नहीं करवा रहा मेरी कोशिश तो बेटा मैं कवर करवाता हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है ऑब्वियसली मैं उसी के ऊपर वीडियो को डिजाइन कर रहा होता हूँ तो यहीं यही इस क्लास को मैं मदद के अंजाम पर पहुंचाऊंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जहां जैसे खैरियत से होंगे मुझे अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा जजाक अल्लाह थैंक यू सो मच जी आसानी को